दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के टॉप 26 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेगा, 26 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो रात में 9 बजे आती है ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल पर। रेगुलर देखिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हर रोज़ नए क्वेश्चंस होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वरद गंगा कहा जाता है? हर एक क्वेश्चन में आपको 2 से 3 सेकंड का समय मिलेगा ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकें। और कमेंट बॉक्स में कैसे आंसर बताना है, देखिए पहले क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा गोदावरी, तो फर्स्ट का डी, बस इतना टाइप करना है कमेंट में। दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग दोस्तों क्या मापने में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर रहेगा पवन का वेग, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा प्लाज्मोडियम, यानी कि 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा गया है? राइट आंसर रहेगा फारूक सियार को, यानी कि 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी करते हैं, मास्टर पीडीएफ को ज़रूर ले लेना। 170 रुपये की पीडीएफ है जिसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे पूरी लाइफ टाइम के लिए, कितनी बार भी आप पढ़ सकते हैं। मास्टर पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे व्हाट्सएप नंबर दोनों जगह रहेगा, लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करके आप पीडीएफ डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं। सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी करिए, और अगर आपको पेमेंट बारकोड से करना है तो अपने इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बारकोड भी ले सकते हैं। 6ठा क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों NH44 है, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस राज्य में लोनार झील है? भारत के किस राज्य में लोनार झील है? 7वें क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर रहेगा महाराष्ट्र में, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जब किडनी काम करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों रक्त में अपशिष्ट पदार्थ जमा होना शुरू हो जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है? 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों थाइमस ग्रंथि, यानी कि 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी रहेगा, यह आपको याद रखना है। 10वां क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया? 10वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा लेनिन ने, यानी कि ए इज द राइट आंसर। वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? 11वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा कृषि, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था?
सही उत्तर रहेगा पटना साहिब, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। रात में 9 बजे ये वीडियो रेगुलर आती है, कुछ भी मत देखिए, रात में 9 बजे 10 मिनट इस वीडियो को दे दीजिए, जीके आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप रेगुलर 10 मिनट दे दें। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों फाइब्रोनोजेन, यानी कि राइट आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, उदय शंकर किससे संबंधित है। उदय शंकर का संबंध दोस्तों किससे है, तो सही आंसर रहेगा नृत्य से, यानी कि ए करेक्ट आंसर रहेगा। 15वां क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर रहेगा हड़प्पा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 16वां क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, लेकिन इसका संग्रह कहाँ होता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यकृत और पेशिया में, यानी कि सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दोस्तों अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था, तो राइट आंसर रहेगा महेंद्र एवं संगमित्रा दोनों को। 17 का राइट आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था। 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों जैन धर्म का, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे। 19वें क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर रहेगा कपास के, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। दोस्तों 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा रूसी क्रांति को, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 21वां क्वेश्चन है, रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था। दोस्तों सही आंसर रहेगा लेनिन ने, यानी कि ए यहां पर सही आंसर रहेगा। सबसे पुराना वेद, कई बार इसको मैं बता चुका हूं, फटाफट आंसर कर दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में, सबसे पुराना वेद कौन सा है। 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऋग्वेद, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 23वां क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर अल्बर्ट आइंस्टीन ने, यानी कि 23वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहां पर होता है। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण दोस्तों अग्नाशय में होता है। 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी रहेगा। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था। 25वें क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर रहेगा अशोक, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 26वां क्वेश्चन है, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया। दोस्तों सही उत्तर रहेगा कैवूर ने। 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अब सबसे पहले तो आप लोग बताइए कि 26 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हो चुके हैं। भारत के किस राज्य में लोनार झील है, ये आप लोगों के लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है।
प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो हमारी मास्टर पीडीएफ को ज़रूर ले लीजिए। इस पीडीएफ के अंदर में आपको हर एक सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं। 170 रुपये की पीडीएफ है, इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, पूरी लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेगी। हिंदी में ये पीडीएफ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इसका बारकोड मिल जाएगा अगर आप मैसेज करेंगे। इस नंबर का और इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बाद में नंबर नोट करने में शायद आपको दोबारा से वीडियो देखनी पड़े। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।